यार ये लो फोरेट है, सारा फोरेट है। फायदा धोखा दे दिया, ये धोखा है, और धोखा लगेगा फार्मर को, डीलर को कहाँ धोखा लगेगा। डीलर को सब कुछ पता है क्या खराब है क्या चीज है। हमने तो सर बिल किया था। अरे कहाँ, इतना सारा माल आपके पास पड़ा हुआ है। आपसे ही मेरे को कंप्लेंट्स आई, आपके मेरे को ऑडियो आए, तब मैं आपके यहाँ पहुंचा। क्या क्या मिलेगा अभी हम देख रहे हैं इसको। ये देखिए फेवरेट है जो कि गवर्नमेंट इंडिया ने बैन किया हुआ है। बेसिकली अब मैं दो तीन दिन से काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी फार्मिंग कम्युनिटी से कि जो ये पोषक आ रहा है वो दो नंबर का है। तो सारे लोग यही कह रहे थे कि हमें जी ये पुलवामा से मिल रहा है। तो हमने अपने सोर्सेज लगा के रखे थे दो तीन दिन से। हम भी बड़े परेशान थे कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ओपन ये दिख नहीं रहा था, अंडरग्राउंड ही मिल रहा था। आज सुबह से ही हमारे जो इंस्पेक्टर्स, जो हमारे एनफोर्समेंट की टीम थी, सुबह 7 बजे से ही लगी हुई थी। सोर्सेज कुछ लगाए थे कि पूरा चेकआउट करने के लिए, जीरो इन कैसे किया जाए कि कहाँ से आ रहा है। तो आज सुबह से वो वहाँ पर आके देख लिया कि कहाँ कहाँ पर है। तो दिन में आज हमने वहाँ पर जाके छापामारी की। जो गोडाउन यहाँ पे वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे शाहीन एंटरप्राइज पुलवामा के नाम से एक पेस्टिसाइड शॉप चल रही है, तो उनसे हमने बोला था कि आप हमें डिस्क्लोज़ करिए अपने जो आपके गोडाउंस हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे। जब हमने उन्हें कहा कि हम इसका ताला तोड़ के चेक करेंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी मैं खोलता हूँ। जब खोला हमने तो वहाँ पर देखा वाकई पोशेक दो नंबर का पड़ा हुआ है अंदर, विदाउट बिल का, अनरजिस्टर्ड था, वो बिल भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। और जो बैच नंबर इस बारी आया हुआ है यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर्स के पास, वो वाला बैच भी नहीं था, तो वो हमने सीज कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली हमने वो 900 लीटर सीज किए। एक लीटर की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये है। पक्का मटेरियल बन रहा है। अगर बात की जाए इसकी, उसके बाद में हमें वहाँ से 48 मिला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू आउट कंट्री बैन किया हुआ है, वो भी हमें वहाँ पर कम से कम 18 ड्रम मिले, अप्रॉक्सीमेटली 900 kg। तो उसके इसके अलावा और भी हमें वहाँ पे सेल्फ हुआ, वो भी बैंड आइटम है, वो भी हमें वहाँ से मिला। जब हमने गोडाउन देखा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जो मेन आइटम ये वाले थे हमने सीज कर दिए, और बाकी हमें दुकान को भी हमने सीज कर दिया। तो ये सीज़र हमने अपने कस्टडी में ले लिया, अपने ऑफिस में रख दिया, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर के प्रीमिसेस में। तो मेरी एक यहाँ से रिक्वेस्ट रहती है फार्मिंग कम्युनिटी से कि वो जब भी कोई भी पेस्टिसाइड लें, फर्टिलाइज़र लें, वो अपने डीलर साहिबान से जाके एक पक्की बिल की डिमांड करें, जिस पे बैच नंबर मेंशन हो, जिस पे एक्सपायरी डेट मेंशन हो, तब भी हम ये जो 2 नंबर का मेंस चल रहा है उसको हम रोक सकते हैं। हम ये अकेले ख़त्म नहीं कर पाएंगे जब तक हमें फार्मर्स का साथ नहीं होगा, आप लोगों का साथ नहीं होगा, तब तक हम इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री हमारी बैकबोन है, इसको बचाने के लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। और जो क्वालिटी प्रोडक्ट हमने फार्मर, जो हमारे अन्नदाता बोलते हैं, उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारी जाके इकॉनमी इम्प्रूव होगी।